पूर्व अपर महासॉलिसिटर भारत सरकार अशोक मेहता ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर कहा कि भारत एक विश्व गुरु के साथ साथ विश्व दृष्टा बनने जा रहा है। भारतीय आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था को आज स्वीकार कर लिया और भारत एक विश्व गुरु के साथ साथ विश्व दृष्टा बनने जा रहा है और इस व्यवस्था को स्थापित करेगा जिसमें असमानताएं और दरिद्रता दूर होंगी। कार्य करने की सुविधा व क्षमता प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगी। भारतवर्ष की ओर दुनिया टकटकी लगाकर देख रही है। यह विचार बसंत पंचमी के दिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी विभाग द्वारा आयोजित पथ संचालन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक मेहता पूर्व अपर महासॉलिसिटर भारत सरकार ने कही। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि मैदान में स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मालवीय जी की हार्दिक इच्छा थी कि हर विश्वविद्यालय में विज्ञान एवं तकनीकी विषय का अध्यापन हिंदी भाषा में हो। माँ मातृभाषा एवं मातृभूमि का कोई विकल्प नहीं है। दुर्भाग्यवश पिछले 70 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब इच्छुक छात्रों को तकनीकी संस्थानों में 7 भारतीय भाषाओं में अध्ययन का अवसर मिलेगा। मालवी जी चाहते थे कि विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भौतिक संपदा के संवर्धन में तो सक्षम हो ही, साथ ही वे अच्छे नागरिक भी बने। महामना को और इस विश्वविद्यालय को अपना साभार प्रकट करता है इस पथ संचलन से। वर्षों से चल रहा है, हमेशा चलता आया है और जागृति करता है। और विश्वविद्यालय के ऑब्जेक्ट जो स्पष्ट रूप से हिंदू शास्त्र, भारतीय संस्कृति, देश के नागरिकों को के अध्ययन का संवर्धन जो इस यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्ट है, उसको पूरा करने के ध्येय को रख कर के ही ये पथ संचलन निकाला जाता है। कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 3 किलोमीटर। इस अवसर पर आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पथ संचलन का भी कार्यक्रम किया। प्रारंभ में संघ का भगवा ध्वज लगाया गया। स्वयंसेवकों ने विश्वविद्यालय कुलगीत प्रस्तुत किया। अतिथियों का परिचय डॉक्टर रघुनाथ मौर्य ने कराया। कार्यक्रम के पश्चात कृषि विज्ञान संस्थान से पथ संचलन प्रारंभ हुआ, जो संकाय मार्ग से होते हुए सिंह द्वार पर पहुंचा। सभी स्वयंसेवकों ने पूर्ण गणवेश में दंड लेकर घोष वादन की धुन पर क्रमबद्ध पंक्ति में अनुशासन से चल रहे थे। स्वयंसेवकों की ओर से संघ संचालक द्वारा मालवीय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद पथ संचलन स्थापना स्थल पर पहुंचा। वंदे मातरम गायन के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता के सिंह छात्र अधिष्ठाता काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने किया। इस दौरान उपस्थित लोगों में विभाग संघ संचालक जयप्रकाश लाल, भाग संचालक सुनील, नगर संचालक आर एन चौरसिया, विभाग प्रचारक कृष्णचंद्र, विश्वविद्यालय संस्थापक के काशी प्रमुख राघवेंद्र, देवर्षि विपिन समेत सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक उपस्थित थे। हम सभी स्वयंसेवकों द्वारा स्वयं से पथ संचलन निकलता है और सभी का इसमें सहभागिता होती है। और ये हमारा पथ संचलन यहाँ से निकलते हुए लंका गेट होते हुए हम लोग जाते हैं जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना जहाँ हुई है शिलापट, वहाँ पूजन के साथ ही इसका समापन।